हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी ठीक ठाक होंगे। तो देख सकते हैं आपके सामने ये वुडन कलर की कामधेनु कलर मैक्स लाइनर सीट है। तो इसका साइज जो है वो 4 फीट चौड़ाई इसकी और लंबाई 14 फीट है। तो इस सीट को हम एक हॉल में इंस्टॉल करेंगे। तो हॉल का साइज जो है वो 50 फीट बाई 24 फीट है। तो देख सकते हैं जो स्ट्रक्चर लगा हुआ है उसी के साथ हम इस सीट को इंस्टॉल कर देंगे। एक्स्ट्रा पाइप नहीं लगाएंगे हम। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे बड़ी बड़ी गोलियों की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ये हाइट जो है नीचे से 18 फीट है ऊपर को। तो देख सकते हैं हमने ये सीट इंस्टॉल कर दी है। पहली सीट बिल्कुल गुनिये में लगानी है आपने, उसके बाद आपकी सीटें शायद सीधी चलेंगी। नहीं तो अगर आपकी पहली सीट खराब हो जाएगी तो आगे की सीटें भी सारी खराब हो जाएंगी, सही लाइन में नहीं आएंगी। तो पहली सीट का गुनिया करना बहुत ज़रूरी है। तो देख सकते हैं आप कितनी प्यारी लग रही है ये हमारी वुडन कलर की लाइनर सीट, ये मजबूत रहेगी। हेलो दोस्तों, नमस्कार, कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी ठीक ठाक होंगे। तो ये देख सकते हैं आपके सामने कामधेनु कलर मैक्स की ये लाइनर सीट है। तो इसको हम सिनेमा हॉल के जो ऊपर सीलिंग होती है उसमें इंस्टॉल कर रहे हैं। तो देख सकते हैं आप, ये हमारा स्ट्रक्चर था। यहाँ पे हमने पहले डेकरा सीट यूज की थी, इसके ऊपर हमने लेंटर डाला है। तो देख सकते हैं आप, ये जो स्ट्रक्चर लगाया गया है टाटा कंपनी की पाइप का लगाया गया है। और ये जो पाइप का स्ट्रक्चर कामधेनु कलर कोटेड सीट है, 5 mm मोटा प्यारी ग्रे सारी है। यहाँ पे स्टार अगर आप भी अपने घर के रूम में लगवाना चाहते हैं तो यहाँ पे 25 mm का फिनिशिंग आती है सीट की। ये आपको मार्केट में अवेलेबल होगा मोटा ये सीट। तो देख सकते हैं आप इसकी फिनिशिंग कितनी अच्छी है। ये बटन जो है वो हम 25 mm का लगा रहे हैं, रेसे बने हुए हैं इसमें, हम स्क्रू स्टार नहीं लगा। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें और वीडियो शेयर कर दें, उससे थैंक यू वेरी मच आती है। तो देख सकते हैं आपके सामने काम है ये। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अगर आप चैनल पे नहीं हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपना प्यार दें, ताकि आपको और नई नई वीडियो मैं दिखाता रहूं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ अपना प्यारा सा कमेंट कर दें। आप और आपका परिवार स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और कोरोना से बच के रहना है आप लोगों ने। धन्यवाद। जय हिमाचल, जय भारत।